बनाने की बात, तो मैं इनसे ही पूछता हूँ, जो अभी मोदी साहब ने कहा बिजली के बारे में, इन्हीं से पूछता हूँ, बिरला साहब से यहाँ बैठे हुए, कि 8 घंटे किसानों को बिजली देने का वादा किया, हम यहाँ एसी के अंदर बैठ के बिजली देने की बात करते हैं, जब वो गांव में खड़ा हो गया खेत के अंदर रात को 12 बजे अपने खेत में पानत करने जाता है किसान, जब उसको ठंड लगती है, ठंड के मारे उसका चेहरा जब मुरझा जाता है और पानी शुरू होकर उसके खेत तक नहीं पहुंचता, उससे पहले बिजली ट्रिप कर जाती है, और ये कहते हैं कि 8 घंटे बिजली दे रहे हैं। अगर ये 8 घंटे बिजली दे रहे हो गांव के अंदर, तो धीरे धीरे आज अभी आप स्टूडियो के अंदर इस्तीफा देकर जाएगा अपने विधानसभा के पद से ऊपर, आप इसका जवाब दे दीजिए। आपने सर्वेक्षण के अंदर लिखा है कि हम 8 घंटे बिजली देंगे, शहरों को 24 घंटे बिजली मिल रही है। धीरज जी, आपकी सरकार ने 8 घंटे सिंगल बिजली देने का वाद किया था, हमें घर भेज दिया, हमने घर भेज दिया, सरकार बनते ही 8 घंटे आप सरकार बनते ही उसके अंदर देखिए कि 6.5 घंटे बिजली देंगे नॉन ट्रिपिंग की, 24 घंटे बिजली देंगे सिंगल पेस की, और हमने कहा है खेत में देंगे कि हम आत्मनिर्भर ऊर्जा से बनाएंगे। आप और राज्य में गोल कर रहे हैं भाई साहब, आप हमारे गोल बात को गोल कर रहे हैं, वो किसान रात को 12 बजे खेत में जा रहा है, सुबह 6 बजे तक उस ठंड के अंदर खड़ा है, आप जो हालात छोड़ के गए ना, एक दिन के अंदर वो हालात ठीक नहीं हो सकते, एक दिन के अंदर बिजली पैदा हो जाए, जब रात को बिजली, लेकिन हम वादा कर लो नॉन ट्रिपिंग बिजली, मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे, नॉन ट्रिपिंग बिजली 6.5 घंटे की थी, आपकी हालत क्या, हम तो बीजेपी का सम्मान, आप तो 8 घंटे चिल्ला दे रहे हम विधानसभा के अंदर, बिरला जी धीरज जी ने क्या कहना है कि जो उन्होंने गलती की उसका नुकसान तो उठा रहे हैं, आप तो ना करें, ये गलती नहीं करेंगे, किसान रो रहा है, हमारा हमारी प्राथमिकता है, हमारी प्राथमिकताओं में बिजली है और हमारी प्राथमिकताओं में बिजली रखी गई है, इसीलिए हमने कहा है कि 6.5 घंटे नॉन ट्रिपिंग बिजली, 24 घंटे सिंगल, आप नहीं मिले जहाँ नहीं मिलेगी, धीरे हमने पाबंद किया है कि जहाँ पर नहीं मिलेगी उस अभियंता के खिलाफ कार्रवाई होगी, चलिए हाँ करेंगे कार्रवाई। अलवर से हमारे साथ मुकेश शर्मा जी जुड़ रहे हैं, मुकेश जी आप क्या कहना चाह रहे हैं? जी जी सर, मेरा इनसे ये कहना है कि अभी हाल ही में अगले महीने आचार संहिता लगने वाली है जी, और इन्होंने जो अब जो पोस्टिंग के लिए कह रहे हैं ये बार बार ये जी, तो ये पोस्टिंग किस तरह से ये लोग देंगे जो वैकेंसियां पहले से निकली हुई है जी जी, जिस तरीके की वैकेंसी पहले निकली थी उस वैकेंसीज के अंदर जिस तरीके के सरकार के अंदर कोर्ट इंटरप्ट किया, और कोर्ट में इसलिए इंटरप्ट किया कि सरकार की स्पष्ट नीति नहीं होने के कारण, अभी एक दर्शक बता रहे थे कि पेपर आउट हो जाते थे, उसके रिजल्ट का पता नहीं रहता था, आरपीएससी के अंदर सरकार वैकेंसी भेजती थी, आरपीएससी के अंदर जो एग्जाम कंडक्ट था वो ठीक है, एग्जाम कंडक्ट ठीक नहीं हो सकता था, और यही कारण रहा कि सरकार की नीति स्पष्ट नहीं थी। उन्होंने कहा घोषणा पत्र के हम 15 लाख रोजगार देंगे, 15 लाख राजस्थान में 60 साल के अंदर 15 लाख आदमी सरकारी कर्मचारी, 15 लाख लोगों को रोजगार देंगे, सरकारी कर्मचारी की बात अलग है, नहीं कहा सरकार क्या रोजगार देंगे नरेगा में, हमने ये कहा है कि 15 लाख लोगों को रोजगार सृजन करके रोजगार देंगे, इसलिए मैं ये तो जान इसमें कहीं उल्लेख ही नहीं है, अब आपने ये पढ़ा नहीं, आप उल्लेख पढ़ो, आप इसमें क्या रोजगार देंगे, निवेश प्रोत्साहन योजना के अवसर उपलब्ध कराएंगे, कौशल विकास, ये विजन लोकसभा विकास, जगदीश जी मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार शॉर्ट टाइम विजन पर काम करते हैं, शॉर्ट टाइम प्लान पर काम कर रही है, या जो विजन का एक बहाना है उस पर काम कर रहे हैं? ये तो निश्चित ही है कि आगे लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं और उन चुनाव की तैयारी करनी है, भारतीय जनता पार्टी को भी करनी है और धीरज जी को भी अपनी पार्टी से करनी है, उसको ध्यान में रखकर ये बनाया गया। लेकिन मिशन 2020 जो नाम अपन सुन रहे हैं, मिशन 2020 में मतलब आज से 6 साल बाद यानी कि नेक्स्ट विधानसभा से पहले वो कह रहे हैं जब वो सरकार छोड़ेंगे, यदि दोबारा नहीं भी आई तो राजस्थान तो नया राजस्थान मिलेगा, धीरज जी की सरकार बनेगी तो उनको अच्छा राजस्थान मिलेगा, यदि दृष्टि कैसी होनी चाहिए, मुझे नहीं लगता कि ये पानी इतना दे दिया, बिजली इतनी दे दी, सड़कों पे ये हो गया, ये कैसे डेवलप कैसे करेंगे राजस्थान का, क्या सूरत होनी चाहिए, इन चीजों से किसी सरकार का आकलन हो सकता है? ये राष्ट्रपति भवन भी राष्ट्रपति शासन भी लगा होता है तब भी ये काम इसी तरीके से चलते हैं, ये शिकायतें बनी रहती हैं। सरकारें जो हैं वो एक दृष्टि बिजली सरकारें है, मुझे पता है गरीबी किसे कहते हैं, लोगों ने गरीबी को दिमाग से महसूस किया, हमने पेट से महसूस किया गरीबी को, इसलिए हम बात करते हैं गरीब और किसान की जी, इसलिए बिजली गरीब और किसान की बात, हम गरीबों का जीवनदान है, आज तक 65 साल तक गरीब और किसान की चर्चा लोगों ने नहीं कहा, राहुल गांधी जी बोल रहे थे कि दिमागी फितूर है गरीबी, राहुल जी नहीं, मैं तो मैं कह रहा हूँ मेरी मैंने गरीब पिता घर में जन्म लिया, मैं गरीबी को पेट से, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि कोई भी सरकार जो है
वो इस तरीके के आंकड़ों के जालों से सड़कों को बनाने निकले इनसे नहीं चलते। हम भी तो निकाल रहे हैं, नहीं ये विजन 2020 है। चलिए तो इस पर विजन 2020 क्या होना चाहिए और सरकार जो है ये जो मूलभूत सुविधाएं हैं और आंकड़ों का और सड़कों का जो जाल है उससे आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, इस पर हम चर्चा जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद भी हमारे खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, जगदीश जी ने जो बड़ा सवाल किया है बिरला जी को उसका जवाब देने के लिए कुछ समय देते हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। तो सारी योजनाएं पूरी हो पाती नहीं है, व्यवहारिक तौर पर कुछ चीजें हो जाती हैं, कुछ चीजें समय के साथ लगातार पुराना हो गया है, हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो संगठन से जो मांगे उठती है उनमें अधिकतर वो मांगे पूरी नहीं हो पाती है, मेरा ऐसा मानना है। सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन सही ढंग से और सही समय पर नहीं होने के पीछे कहीं कहीं प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही और उनका जो कार्य करने का तरीका है वो गलत है, उस वजह से सरकारी योजनाओं का सही तरह से क्रियान्वयन नहीं हो पाता है। BMIT Jaipur, established in 2003. Easily approachable. Rich infrastructure. High security. Engineering branches like civil, electrical, electronics and communication. Computer science, information technology. Well-furnished lecture room. Experienced faculty. Well-equipped laboratories. Rich content library, grand auditorium, activities, gym and food zone, sports, friendly environment, achievements, highest number of students placed in Infosys from Rajasthan under the Campus Connect College program, advanced partner of Infosys since 2006, world class exposure. ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है, हम चर्चा कर रहे हैं राजस्थान के विजन 2020 की। हमारे साथ श्री गंगानगर से अरुण सोनी साहब जुड़ रहे हैं। सोनी साहब क्या कहना चाहते हैं आप? हाँ नमस्कार, मेरा एक बहुत सकारात्मक क्वेश्चन है ओम बिरला जी से, क्या 2020 विजन में महिलाओं की सुरक्षा, भ्रष्टाचार पे लगाम, शिक्षा, हेल्थ और युवाओं को रोजगार और प्रदेश को विकसित राज्यों की श्रेणी में ला पाएंगे? और दूसरा एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि क्या केंद्र में जैसे कि लहर चल रही है, बीजेपी की सरकार आ जाती है तो हमारे प्रदेश को क्या विशेष राज्य का दर्जा दिला पाएंगे? और गुर्जर जी से मेरा एक प्रश्न है कि आप अपने आप को थोड़ा सा मतलब के एनालिसिस करके 25वें से कितनी सीटें मान रहे हैं कि आपको कितनी सीटें मिल जाएगी कांग्रेस को? जी बहुत शुक्रिया बिरला जी, एक मिनट पहले मैं कमल जी से एक छोटी सी बात पूछू जो जगदीश जी ने की थी कि जो विजन 2020 की बात करते हैं, ये पहले हमें ये तो बताओ कि हम कैसा राजस्थान चाहते हैं, ये इस डॉक्यूमेंट से मुझे नहीं समझ में आता। क्या आपको समझ में आया? क्योंकि हम प्लानिंग तो तब करेंगे जब हम एक सपना देख रहे हो कि राजस्थान 2020 में कैसा होगा। जो जगदीश जी ने कहा ये तो वही आंकड़े हैं कि ठीक है ये सड़कें ठीक कर देंगे, यहाँ डामर बनवा देंगे, यहाँ कुएं खुदवा देंगे, यहाँ ट्यूबवेल बनवा देंगे, तो वो विजन नहीं है ना। एग्जैक्टली आप अगर किसी भी आप देखिए मतलब आप मैं ये कहूँ कि किसी संस्थान को भी देखेंगे तो उनकी जो प्लानिंग होती है, उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो एक बिल्कुल परफेक्शन के साथ होता है कि हमें कब कब क्या क्या करना है और हम कब इसको अचीव करेंगे, फिर इसको अचीव करेंगे, फिर इसको अचीव करेंगे। ये सरकारें कभी बनाती नहीं है और इनके ऑफिसर्स के साथ ये बैठ के सिर्फ इन कागजों के अंदर जो एक मतलब शब्दों का गठजोड़ है वो कर देते हैं, बदलते रहते हैं। लेकिन हाँ लेकिन वास्तविकता तक वास्तविकता तक पहुंचते नहीं है। तभी तो पानी नहीं मिला, तभी तो शिक्षा नहीं मिली, तभी तो महिलाओं की दुर्दशा है, तभी तो बच्चों में कुपोषण है। ये सब क्यों है जब इतनी स्कीम्स हैं, इतनी व्यवस्थाएं हैं लेकिन फिर भी हालत कसता है
क्योंकि इच्छा शक्ति नहीं है वहां तक सही तरीके से पहुंचाने की, इन्हीं बातों से हर वक्त वोट लेने की इच्छा शक्ति रहती है। बिरला जी बहुत महत्वपूर्ण बात की, और इसमें दो चीजें मैं जोड़ना चाहता हूं कि एक तो कि कांग्रेस सरकार पर यह आरोप हमेशा लगता रहा, खासतौर से मुख्यमंत्री जी पर, कि वो ब्यूरोक्रेसी के अंडर में काम करते हैं। तो जैसे कमल जी कह रहे हैं, तो आपकी सरकार भी ब्यूरोक्रेसी के दबाव में काम कर रही है, आप अपना विजन कोई नहीं लाना चाहते। लीडरशिप का मतलब ही विजन होता है एक्चुअली, कि नहीं तो चीफ सेक्रेटरी से ही चला लेंगे हम सरकार। एक निर्णय करने की क्षमता का नेतृत्व होना चाहिए, और ब्यूरोक्रेसी भी प्रजातंत्र लोकतंत्र का एक पहिया है, वो उसकी हेल्पिंग हैंड है ना, जो उसको चलाने के लिए आवश्यकता है। आपका निर्णय करने की क्षमता, आपका विजन, वो आपको देना पड़ेगा। ब्यूरोक्रेसी उसको एग्जीक्यूशन करती है। जो जगदीश जी ने सवाल पैदा किया, आपने सवाल पैदा किया कि हम किस राजस्थान की कल्पना करना चाहते हैं, हम सबके सपने राजस्थान के इस बार सपने हैं कि एक निवेश को प्रोत्साहन दें हम, एक प्रति व्यक्ति आय बढ़े, हमारे यहाँ पशुपालन उद्योग पैदा हो सकता है, एग्रीकल्चर के आधार पर हम डेवलपमेंट कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के आधार पर खड़ा कर सकते हैं। आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं और आप मेट्रो के लिए सबसे खिलाफ जाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है मेट्रो, भी इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है कि राजस्थान में जितना पानी बहके जा रहा है, उस पानी को रोककर हम सिंचाई के लिए काम ले सके। हमारे पास व्यापक पशुपालन है, डेयरी उद्योग है, हमारे पास कई इलाके ऐसे हैं जिसके पशुपालन डेयरी उद्योग से गांव के रोजगार को स्वरोजगार के आधार पर वहां खड़ा करें। जब तक राज्य के अंदर प्रति व्यक्ति के इनकम सोर्सेज डेवलप नहीं होंगे, जब तक हम बेहतर शिक्षा, बेहतर, आप चाहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर में मेट्रो प्रोजेक्ट को बंद कर देना चाहिए, आपने बड़ी आलोचना की उसमें पूरे। हाँ, हमने ये कहा है कि जब पहली प्राथमिकता है तय होनी चाहिए राजस्थान की। हम कभी भी किसी भी शहर को सुंदर और सजावट का जब बनाए, गलत फैसला मानते हैं आप मेट्रो, जब इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में हम डेवलपमेंट हो जाए, के ऊपर कठपुतली बनाना, चौराहों पे काट की मूर्तियां लगाना, पुतरे हमारा पिछले कार्यकाल बैठे हुए हैं। आप देखो, पहले हम राजस्थान में इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में लोगों को पीने का पानी पिला दें, बेहतर शिक्षा दे दें, बच्चों को स्वस्थ रख सकें, शिशु मृत्यु दर कम कर सकें, लोगों को रोजगार दे सकें, उसके बाद तमाम चीजों के अंदर पैसा खर्च करने आप जयपुर की मेट्रो का विरोध करते हैं, इसको बंद कर दिए मेट्रो, एक फैसला तो कर लेने प्रोजेक्ट करने के पहले आपने उस गांव के अंदर आपने खुद ने चर्चा की, आप खुद कह रहे हैं बोल रहा था और मेरे को कभी भी बोलने नहीं दिया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले सुरक्षा सबसे बड़ी चीज है जो हमारे यहाँ होनी चाहिए। हमारी जो दृष्टि है मिशन 2020, क्या मिशन एवर फॉर, आगे भी चलेगा, जो 20 में ही नहीं रखा, खत्म नहीं हो जाएगा, साल के लिए ही नहीं है। हमारा मिशन होना चाहिए 2000 के आगे 100 साल का मिशन क्या, कि इस राजस्थान को ऐसा बनाया जाए जहां पर कि आदमी सुरक्षित रह सकता है, जहां पर कि आदमी को, लेकिन उसका जिक्र नहीं है, सांस और पानी मिल सकता है जिससे कि वो जिंदा रह सकता है। ये बेसिक चीजें हैं। 1500 हेडपंप खोदने से कैसे, 1500 हो चाहे 3000 हो चाहे 30000 हो चाहे 30 लाख हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, ये प्लान होता है, ये तो ब्यूरोक्रेट्स कर लेंगे, 15 खुलने हैं या 50 खुलने हैं, ये काम ही इनका यही है, इसी बात की तनख्वाह लेते हैं। सवाल ये है कि आप खोदना चाहते हैं क्या जी, ये सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि मेट्रो, तो 65 साल उपयोगी नहीं है, 65 साल में इतना काम तो हो जाना चाहिए था, लोगों को शुद्ध पीने का पानी मिलता मिल रहा है, चंबल का पानी, जयपुर को बिसलपुर का पानी पिला रहे हैं, राजस्थान का, भीलवाड़ा जिले को चंबल का पानी पिला रहे हैं, गंगानगर में पंजाब से पानी लेकर आ रहे हैं, विदेशी एजेंसियां तक भी बोल रही हैं कि राजस्थान उन पिछड़े इलाकों में है जहां पर पिछड़ा इलाका भी नहीं, जहां आप उठा के देख लीजिए पिछले 5 साल के अंदर, मैं आपको भी कह रहा हूं, 5 साल से मैंने बताया पानी की वजह से 50 साल राज की है, अगला 5 साल सच में से 50 साल राज है, हमारा किसी कार्यकाल की चिंता नहीं है, पानी पे हम चर्चा कर रहे हैं कि राजस्थान का हाल क्या है। हमारे साथ टॉक से एक दर्शक जुड़ रहे हैं, शंकर चौधरी जी। चौधरी जी आप क्या कहना चाहते हैं? चौधरी जी, जी चौधरी जी कहना था कि 65 साल में से 50 साल राज कांग्रेस ने किया है। आज भी ये समस्या क्यों बनी हुई है कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है कि हिंदुस्तान के जो बड़े स्टेट हैं
उनमें राजस्थान उन राज्यों में है जिसमें कि 40% लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं है। पेयजल उपलब्ध नहीं, ये क्यों हो रहा है? आपको ये तो कह रहा हूँ, ये आधी गिलास आपकी भरी, आधी खाली, हमने आधी भर दी, बाकी भरी उसको भी खाली को भरेंगे। मैं कह रहा हूँ कि पूरी भरी होनी चाहिए थी, भर देंगे, समय भर देंगे, 65 साल तो ले लिए अभी और दिया है इस आज हिंदुस्तान में। आप एक परियोजना, हमने गणेश को उदाहरण पिलाया, हमने लोगों को बड़ी डैम बना के बाहरों सरसब्ज किया है। धीरज जी, कमल बासोरापुर के अंदर लोगों ने रेल की कल्पना नहीं की, हम आप रेल लेके आए। हिंदुस्तान के साथ ही, जहां हिंदुस्तान में कांग्रेस ने राज किया सबसे ज्यादा, हिंदुस्तान के साथ ही जापान भी आजाद हुआ था, कोरिया भी उसी समय आजाद हुआ था, वो लोग आज चीन भी करीब करीब उसी, चीन भी लगभग उसी, मतलब 3-4 साल पहले ही बराबरी है, तो वो लोग कहाँ चल रहे हैं? और हम कहाँ हिंदू मुस्लिम दंगे नहीं होते, क्योंकि वहाँ लोगों को जाति और धर्म सारी समस्याएं, वहाँ पर बाबरी मस्जिद को नहीं तोड़ा जाता है, सारी समस्याएं सब जगह हैं, वहाँ लोगों का ज्ञान विकास के अंदर लगा हुआ है, प्रॉब्लम है गवर्नेंस और दृष्टि की। कमल जी, आपको लगता है कि कोई भी पार्टी अभी गवर्नेंस के विजन पर आई नहीं है? राजीव गांधी जी ने जो उस टाइम सपना देखा उसी का परिणाम हम चैनल पर लाइव हैं। कमल जी मैं बेसिक विजन की बात कर रहा हूँ। बेसिक गवर्नेंस की बात हम करें तो ये है कि लोगों की छोटी छोटी समस्याएं उनको लेके वो अपने मतलब पंचायत के सचिव से लेके मुख्यमंत्री के दरबार तक पहुंचते, और ये दरबार कल्चर जो अभी भी लगता है, जनता दरबार लगाते हैं, मंत्री बैठते हैं, चाहे वो दिल्ली में लगे चाहे वहां लगे, लेकिन ये बिल्कुल प्रक्रिया वो तो धीरज जी और बिरला जी बहुत अच्छे से समझते हैं, उस पर आप ज्यादा ज्ञान मत दीजिए कि दरबार क्या होता है। वही तो अब हम ये कह रहे हैं कि इनमें इनकी जरूरत कहां है? नेता कोई भी आए जाए, जनता की समस्या तो निचले स्तर पर ही सॉल्व हो जानी चाहिए, यह है गवर्नेंस का असली मुद्दा। और गवर्नेंस के इस असली मुद्दे पे एनसीपीआरआई ने, जिस जो हमारा राष्ट्रीय अभियान है, हमने एक ग्रीवेंस रिड्रेस बिल बनाया और वो पार्लियामेंट में राज्यसभा से पास हो गया है, लोकसभा में भी पास हो गया। सबसे बड़ी जो और जरूरत है उस पर तो कोई काम नहीं कर रहे हैं। और इवन इस राजस्थान सरकार ने काफी कोशिश करके, हमने जब काफी पुश किया तो अशोक गहलोत जी ने एक सुनवाई का अधिकार कानून पास किया, लेकिन उसके इम्प्लीमेंटेशन में उतने फिट सी है कि मतलब कोई मतलब ही नहीं रखते, और उसका जिक्र भी इसमें नहीं है, और उसका ये जिक्र नहीं करते, उल्टा वो कह रहे हैं कि उस कानून को हम और बेहतर बनाएंगे। अब बेहतर बनाएंगे वो हमें पता नहीं, लेकिन हम तो ये जानते हैं कि जिसने कानून बनाया वो भी इसे लागू नहीं करता है, तो फिर उस कानून के गवर्नेंस के मुद्दे पे तो वास्तव में कोई काम ही नहीं करना चाहता है। चलिए आपको, हमने कानून बनाने का काम किया, इस यूपीए 2 ने आज नरेगा जो लोग कहते हैं, नरेगा को हमने कानून बना दिया, कोई भी सरकार इसको छीन नहीं पाई। देखिए, हमें गलत बात है, नरेगा लोग नहीं होता, नरेगा को ये लागू नहीं कर पाएंगे, अब योजना नहीं बनाने से आज हमने पेंशन योजना लागू की, उसका बदल सकते हो, एजुकेशन नहीं कानून बनाने से भाई, हमने पेंशन योजना लागू की, वो एक योजना, उसका बदल सकते हो आप, नरेगा को बदल के दिखाओ जी, कानून उसको नहीं बदल सकते आप। चलिए, आरटीए को बदल के दिखाओ, कानून नहीं बदला जा सकता, खाद्य सुरक्षा कानून एक कानून बना दिया आपने। नरेगा का जितना पैसा आज करप्शन में जा रहा है, इस देश की चिंता का विषय है। पिछले कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी के समय आते हो, हुआ था, आप लोगों नरेगा का जितना पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर में, हमने तो नरेगा पे, आपके जिले के भरत सिंह ने जब ग्रामीण विकास मंत्री बने, आपके जिले के भरत सिंह जी जब ग्रामीण चिंता की, सिकंजा कस दिया आप नरेगा के बारे में। चलिए, इस पर खुद विचार करके बिरला जी इस पर चर्चा जारी रखेंगे, कि ब्रेक के बाद चर्चा जारी रखेंगे कि क्या योजनाओं को बदलने से भी सूरत बदल सकती है। हमारे खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, राजस्थान की सूरत हम वाकई बदलना चाहते हैं, बशर्ते आप हमारे साथ बने रहे। वर्तमान सरकार आई है, प्रचंड बहुमत से आई है, उम्मीदें तो जनता को काफी है, लेकिन यह है कि पिछली सरकार की तरह ये सरकार भी अगर प्रचंड बहुमत के बाद में भी अगर आम आदमी की बात को नहीं सुनती है और आम आदमी को राहत नहीं मिलती है, तो फिर सरकार का आना नहीं आना कोई मतलब नहीं है। सरकार की घोषणाएं, जिस हिसाब से सरकार ने घोषणाएं की है, हमें लगता है 5 साल में पूरी होनी चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता है परफेक्ट कोई भी सरकार जो भी घोषणाएं करती है वो 5 साल में उनको पूरी कर सके। कैलाश मेघवाल बने विधानसभा अध्यक्ष, पायलट की पीसीसी अध्यक्ष पद पर ताजपोशी। हमने दिखाई हर खबर सबसे पहले, फर्स्ट इंडिया न्यूज, सबसे आगे सबसे पहले।
it's a combination of healthy eating and a little bit of workout. That's, I think that's a must. करीना कपूर खोलेगी अपने फिटनेस के कुछ पर्सनल राज, तो देखते रहिए पिक्चर टॉकीज दोपहर 2:30 बजे और शाम 5:30 बजे। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं राजस्थान के विजन 2020 की, और उससे पहले देखते हैं कि जनता की राय क्या रही, जिस पर हमने सवाल पूछा था कि विजन 2020 से क्या राजस्थान की सूरत बदलेगी। जनता से हमने हमारी वेबसाइट पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर पूछा था और टेलीविजन पर पूछा था। देखते हैं जनता की क्या राय। साठ% लोग जो हैं वो समझते हैं कि हाँ सूरत बदल सकती है, और 40% लोगों का अभी भी मानना है कि उन्हें भरोसा नहीं है कि आपके विजन 2020 से राजस्थान की सूरत बदलेगी। वैसे तो ये अच्छा प्रतिशत है बिरला जी के लिए कि 60% लोग ऐसा समझ रहे हैं। ये प्रतिशत इनके लिए खराब इसलिए है क्योंकि ये शहरों में उपलब्ध है जी। शहरों में हमारा वोट ही नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का वोट है, इनके वोट में 40% आज इनके खिलाफ। धीरज जी वक्त का इंतजार करो, 100% लोग हमारे विजन, हमारे घोषणा पत्र पे एग्जीक्यूशन करेंगे तो इसी टीवी पर 100%। अगर हम 40% का विश्वास जीत पाए और कोशिश करेंगे और प्रयास करेंगे, हम जो सरकारों के प्रजातंत्र लोकतंत्र में जिस तरीके एजेंडे बनते थे, घोषणा पत्र बनते थे, उसका एग्जीक्यूशन नहीं होता था, उनकी राह अब जनता बता रही है। आप पेट बंद कर दीजिए, हम उस जनता की राय को बदलेंगे, हम सरकार जनता की राय को पलटेंगे। क्योंकि अभी जो विजन बता रहे हैं, अभी हमारी सरकार को 30 दिन हुए हैं, वो बताते हैं कि पिछली सरकारों ने, बिरला जी ये जो रिव्यू कार्यक्रम किया था, बिरला जी अभी जो रिव्यू कार्यक्रम किया था जो कटारिया जी की अध्यक्षता में, उसका क्या है, क्या क्या योजनाएं आप बंद कर रहे हैं, थोड़ा सा मुझे भी ज्ञान दीजिए। रिव्यू हमने किया था कि जितनी भी पुरानी योजनाएं हैं उन पुरानी योजनाओं के माध्यम से बंद कर रहे हैं आप उनको, अभी बंद करने की हमने कोई, आपने आज ही बनाया पड़ा होगा सरकारी दवाओं में जहर दिखाने के लिए धड़ा धड़ छापा मारा है। उन सब योजनाओं को अपनी सरकारी दवाओं को जहर साबित करने के लिए, उन योजनाओं को आम जनता से कैसे लाभ करवा रही है, उसमें क्या क्या कमियां हैं जिससे आम जनता को लाभ नहीं मिले, उनको रिव्यू करने के बाद आपको लग रहा है कि वो थी तो जनता के फायदे की, फायदे की थी, ऐसा नहीं कोई योजना फायदे की नहीं होती, हर सरकार जनता की फायदे की योजना। आपने जब मैं चुनाव से पहले देख रहा था तो लगा मुझे कि ये तो अशोक गहलोत डिलीवरी सिस्टम अगर ठीक नहीं होगा, डिलीवरी सिस्टम नहीं होगा, सरकार का पैसा भी लग जाएगा, डिलीवरी ठीक नहीं होगी, ऐसी योजनाओं का कोई लाभ। आप पेंशन योजना में क्या हो रहा है, आज हालत क्या है, जिस तरीके से आपने पेंशन योजना चालू की, आबड़ तोड़ के अंदर आपने जिस तरीके योजना की, आज एक एक जिले के अंदर 10-10, 15-15 हजार लोग पेंशन विभाग के एसडीओ के चक्कर काट रहे हैं। पेंशन मिल रही है ना उनको? हमको पेंशन नहीं मिल रही, नहीं मिल रही है पेंशन। धीरज जी आप जाकर मालूम करो, पेंशन मिल रही है, नहीं मिल रही है। आचार संहिता लगने का है, जिनको पेंशन नहीं मिल रही उनको पेंशन, जिस तारीख को उसने फॉर्म भर दिया, आप पीपीओ जारी नहीं हुए, पीपीओ जारी हो गए, ऑनलाइन जारी किए गए, उनका जिस तारीख को उन्होंने फॉर्म भरा था उनके खाते में जमा, कितने लोगों के खाते में जाए ऑनलाइन, आपने ऑनलाइन। मैं इसमें एक बात कहना चाहूंगा, मैं अभी जस्ट राजसमंद के देवगढ़ जो ब्लॉक है उस पर धरने पर बैठ के आया हूँ एक दिन के लिए, और उस धरने में जो सारी शिकायतें आई थी, हमने वो पेंशन परिषद का ही धरना किया था, हमारी पूरी एक पेंशन परिषद है जिसमें हम पूरे देश में पेंशन मिले बुजुर्गों को इसकी मांग कर रहे हैं, और 2000 रुपए कम से कम मिले महीने की। तो वहां हम बैठे और वहां पर सैकड़ों लोग आकर धरने पर बैठे, और उनकी एक ही बात थी कि उन्हें टाइमली आप डिलीवर नहीं कर रहे हैं। अब ये आपका काम है, डिलीवर करना आपका काम है, और आप उसे डिलीवर नहीं कर अच्छा रहे हैं, ये आपका सबसे काम है। इसीलिए हमने एक अभी अभी ऑर्डर इश्यू किया है कि हम डायरेक्ट पेंशन बचत खाते में जमा कराएंगे, बैंक के खाते में जमा कराएंगे, पेंशनधारियों का अकाउंट खुलाएंगे। ये हमने देखा कि विसंगतियां थी, पोस्टमैन की 50,000 की पोस्टमैन की पेंशन अटक जाती थी, वो बेचारा पोस्टमैन से चक्कर काटता रहता था। जो आपने सवाल किया हमारे मनमोहन सिंह जी डायरेक्ट केस ट्रांसफर लाए थे, उसी का आलोचना भारतीय जनता पार्टी, आपने केस ट्रांसफर के आपने लागू कर दी क्या? आपको योजना बनाने का एजुकेशन पार्ट तो सोचा करो धीरज जी, आपकी सरकार की कमी है, आधार कार्ड की योजना बनाने से काम नहीं, उसका डिलीवरी सिस्टम समझा करो। जो बता रहे ना सही बता रहे हैं, ट्रांसफर हमारी आज हजारों लोग पेंशन उसी को आप लागू कर रहे हो जगदीश जी, हमारी योजनाओं पर बेहतर पैकेजिंग कर देते हैं जी। जगदीश जी से दिन के अंदर हो गया, अभी आपने ऑर्डर निकाल दिया, हमने ऑर्डर निकाल दिया क्या ऑनलाइन का? ऑनलाइन का भी ऑर्डर निकाल, ऑनलाइन सीके मैथ्यू साहब ऑर्डर निकाल के गए थे ऑनलाइन, कोई नहीं बिल्कुल ऑनलाइन पेंशन, जिस दिन आदमी पेंशन भरता है उसी टाइम उसका ऑनलाइन पीपीओ जारी करना है। हाँ सर,
कोई नहीं, मैं परसों मैं खुद मैं पंचायत राज विभाग वाला आदमी हूं, देख लेना ऑफिसर से बात की है, देख लेना। लेकिन हमारे यहाँ जो पेंशन का शोर शराबा हुआ वो पिछले छह महीने में ही हुआ है। बच्चा माँ के पेट से निकला, उसको खड़ा होने में टाइम तो लगेगा। 4.5 साल तक इंतजार कर रहे थे अरे इस बात का कि हमने बच्चा आएगा के लिए। मैं ये कैसे कटेगी अब हम राजस्थान को खड़ा करने के लिए रिफाइनरी, हम राजस्थान को खड़ा करने के लिए रिफाइनरी लेके आए, रिफाइनरी सरकारी धन से बोर्ड खरीदना चाहते हो आप ना, क्या चाहते हम हो जनता को? बस यही तो आपकी कमी है, 500 करोड़ आपकी जेब में रख लो, आपकी महारानी लेकर लंदन चली जाए, ललित मोदी उस पैसे को ले जाए आपको मंजूर है, लेकिन गरीब की जेब में 500 रुपए चले जाए आपको मंजूर नहीं है। धन से पैसा खरीद के वोट खरीदना चाहते हैं राजस्थान, हम सरकारी धन को आपकी जेब में जाने से रोकते जनता ही खोजना चाहते हैं, इसी को नकारा राजस्थान की जनता ने। लेकिन बिरला जी आप कोई योजना तो बंद नहीं कर रहे, देखिए आपने जो आप उनकी कितनी भी आलोचना कर रहे हैं लेकिन आपके रिव्यू कार्यक्रम में आपने एक भी योजना बंद करने का फैसला नहीं किया, लेकिन उस पर हम खत्म करेंगे क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। मैं जगदीश जी से बहुत छोटे से मैं पूछना चाहता हूँ कि आप विजन के तौर पे बिरला जी को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि हमारा विजन क्या हो, फिर मैं कमल जी से करके फिर इस सरकार को अब जो जिस तरीके का मैंडेट पब्लिक ने दिया है विधानसभा के लिए, इस सरकार को ये स्पष्ट करना चाहिए कि मोटे तौर पर क्या क्या बदलेंगे राजस्थान में। मोटे तौर पर ये कि क्या लोगों को सुरक्षा मिलेगी जी, क्या लोगों को पीने के लिए शुद्ध पानी और शुद्ध हवा मिलेगी, रोजगार सबसे बड़ा पेट का जी, आपसे छोटा सा बहुत कम वक्त में एक लाइन जी, जीवन यापन के साधन उपलब्ध होंगे, ये मैं बेसिक आप विजन पर क्या क्या सुझाव देना चाहते हैं, बहुत छोटा सवाल जिसने उसी बेसिक पर हमारी सरकार। बिरला जी एक कमल जी से एक छोटा सा एक ही कहना है कि आपकी कथनी और करनी में फर्क नहीं है जी, बहुत अच्छा। नीरज जी आप कुछ कहना चाहते हैं, एक छोटा सा शब्द टेट बिरला जी जो कथनी और करनी का उसी विजन पे हमारी सरकार काम करने वाली और इसमें टेट का उल्लेख नहीं है, हमारी सरकार उस विजन में टेट का उल्लेख नहीं है, 8 घंटे बिजली का उल्लेख नहीं है, विजन के आधार पर 15 लाख कैसे देंगे इसका उल्लेख नहीं है। 2020 के अंदर जनता के बीच में जाएंगे तो सारे इश्यूज जो जनता ने खड़े किए हैं आपने खड़े किए आपको 2 जगह। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका बिरला जी और धीरज जी, आपका भी बहुत शुक्रिया, कमल जी आपका भी शुक्रिया, जगदीश जी आपका भी बहुत शुक्रिया कि बिग फाइट में आपने हिस्सा लिया और राजस्थान के विजन 2020 में क्या हो सकता है, क्या करना चाहिए इसकी चर्चा की। बिग फाइट में आज इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे नए मुद्दों के साथ नए मेहमानों के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, आप बने रहिए हमारे साथ हमेशा और खुश रहिए, खुश रखिए और चलते चलते राजस्थान की जय हो, और जय हो का ये नया गाना। BMIT Jaipur, established in 2003, easily approachable, rich infrastructure, high security, engineering branches like civil, electrical, electronics and communication, computer science, information technology, well-furnished lecture room, experienced faculty, well-equipped laboratories, rich content library, grand auditorium, activities, gym and food zone, sports, friendly environment, achievements, highest number of students placed in Infosys from Rajasthan under the Campus Connect College program, advanced partner of Infosys since 2006, world class exposure.
It's a combination of healthy eating and a little bit of workout. That's, I think that's a must.